तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन चैलेंजेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए कि पापर मेनू स्टाइल को हम लोग किस तरीके से चेंज करेंगे। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, मेरा रेडमी का फ़ोन है और रेडमी के फ़ोन में देखिए इस तरीके का पापर मेनू स्टाइल होता है। जैसे हम लोग को मिल जाता है एरोप्लेन, साइलेंट, रिबोट, पावर अप, इस तरीके का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसको आप अपने फ़ोन में किस तरीके से चेंज करेंगे, चाहे आपका किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, उसे कुछ डिपेंड नहीं करता है। आप अपने फ़ोन में इससे भी अच्छा अच्छा पावर ऑफ बटन स्टाइल चेंज कर सकते हैं। पावर मेनू स्टाइल को काफ़ी अच्छा से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। पावर मेनू स्टाइल को जो यहाँ पर स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का वीडियो है, वीडियो को पूरा देखते रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में पावर ऑफ बटन पैनल को चेंज करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसको एप्लीकेशन के जरिए बहुत ही अच्छा तरीके से चेंज किया जा सकता है। तो उसको चेंज करने के लिए हम लोगों को एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए हम लोगों को चले जाना है प्ले स्टोर में, ठीक है। हम जैसे ही प्ले स्टोर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का नाम पता चल गया तो वीडियो को तुरंत आप कट कर देंगे। पर ऐसा बात नहीं है, अगर वीडियो को आप तुरंत कट कर देते हैं तो यहाँ पर होगा क्या कि आपसे जो पूरा प्रोसेस नहीं हो पाएगा और आपको होगा परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखा देंगे किस तरीके से करना है। जब फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस होगा, ठीक है। जैसे आप आएंगे तो डिफिल्डर थेम्स के ऊपर में आपको आइकन दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफिल्डर थेम्स क्रोलेट यहाँ पर आपको मिल जाता है। फ्लोटिंग थेम्स देखिए तो सेकेंड जो ऑप्शन है डिफिल्डर थेम्स क्रोलेट, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा तो नहीं है। पर देखिए तीसरा जो ऑप्शन है फ्लोटिंग बटन थेम्स, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें हम लोग को ढेर सारे फीचर्स और भी लाने के लिए हम लोगों को चले जाना है सेटिंग में, ठीक है। जैसे सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको बूट लोडर का भी ऑप्शन हम उसमें लगा सकते हैं, सॉफ्टवेयर रिबूट का भी ऑप्शन लगा सकते हैं, जो आपका फोन में नहीं है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। रीस्टार्ट सिस्टम यूआई का भी ऑप्शन लगा सकते हैं, स्क्रीनशॉट का भी लगा सकते हैं, सेफ मोड का भी लगा सकते हैं, ठीक है। लगाकर सेव बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं सेव बटन पर क्लिक किया, जैसे ही सेव बटन पर क्लिक कर देना है तो आपको अब लग रहा होगा कि ये तो सेटिंग हो गई, पर ऐसा बात नहीं है, अभी पूरी प्रोसेसिंग नहीं हुआ है। इसको और भी हम लोगों को करने के लिए सेटिंग में चले जाना है, ठीक है। एप्लीकेशन एक भी परमिशन नहीं मांगी है तो एप्लीकेशन का परमिशन देगी तभी आपके फ़ोन में वर्क करेगी। तो एप्लीकेशन का परमिशन देने के लिए मेरा तो एंड्रॉइड फ़ोन है, अगर आपका रेडमी का फ़ोन है मेरा, और अगर आपका किसी और भी कंपनी का फ़ोन है तो उसमें अलग तरह से प्रोसेस होता है, तो आपको एप्लीकेशन का और भी परमिशन दे देना है, ठीक है। तो चलिए हमको परमिशन देने के लिए हम लोगों को चले जाना है एप्लीकेशन में, ठीक है। एप्लीकेशन में चले जाते हैं। एप्लीकेशन में जाने के बाद देखिए आपके सामने, ठीक है। तो एप्लीकेशन का नाम है एडवांसेड पावर मेनू, तो मैं चलिए इसका परमिशन जो है देता हूँ, ठीक है। ऑटो स्टार्ट का परमिशन जो है यहाँ पर मैं इनेबल कर दिया। इनेबल कर देने के बाद ऐप्स परमिशन में जाना है। ऐप्स परमिशन में जाने के बाद यहाँ पर देखिए स्टोरेज का परमिशन ऑटोमेटिक ले लिया है, ठीक है। तो ये अच्छा बात है। वेदर परमिशन में भी हम लोग को जाना है। वेदर परमिशन में जाने के बाद शो द लॉक स्क्रीन का परमिशन हम लोग को एक्सेप्ट कर लेना है। टॉप द विंडो का भी परमिशन हम लोग को दे देना है। डिसेबल पॉप द विंडो का परमिशन जो है हम लोग को दे देना है, ठीक है। अब सारी चीज़ हम दे दिए तो यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग को देखिए इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस होगा। जैसे कि अब मैं जाके पावर बटन को दबाकर दिखाता हूँ आपके सामने। जैसे मैं पावर बटन को यहाँ पर दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो गया। रिबूट कर सकते हैं और भी इसमें ढेर सारे फीचर्स है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसका इन्जॉय पूरा उठाते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।